विशाल कुमार। विशाल जी कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। विशाल जी कोई क्या क्या कुछ पैटर्न में कोई चेंज नजर आया आपके जो 30 तारीख का पेपर? नहीं कुछ भी नहीं, पैटर्न वही है उसी पर। सबसे आसान क्या था इस पूरी परीक्षा में? जी के लगी उसमें दो और हिंदी थोड़ा मॉडरेट के सवाल पूछे गए हैं। जीके में एक सवाल जरा आप बताइए देखकर पेपर में से, जो कल एग्जाम देंगे उनको उसकी मदद मिलेगी। थोड़ा आप बताइए किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आप कोई पैटर्न में बदलाव नजर आया? भारत की जनगणना किस शासक के द्वारा हुई थी? मैं हूं भारत दादा और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस समय दीवान इंटर कॉलेज हापुड़ में है और आपको बता दें लगातार यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा बिल्कुल इस समय कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। विशाल जी कोई क्या क्या कुछ पैटर्न में कोई चेंज नजर आया आपके जो 30 तारीख का पेपर? नहीं कुछ भी नहीं, पैटर्न वही है उसी पर आधारित सब दिन आ रहा है प्रश्न। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार? इस बार जैसे मैथ का क्वेश्चन बढ़ा है, प्रोबेबिलिटी का बढ़ा उसमें, और ये मतलब अस्तर वही है और कुछ चेंजिंग नहीं है। और भी देखें और बातचीत करते हैं यहाँ पर। लगातार इस समय अभ्यर्थी अपना बैग लेने के निकल चुके हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम शिवम। सर आप पेपर? पेपर बहुत अच्छा था आज का। तो कुछ बदलाव नजर आया पैटर्न में? नहीं आज जीएस बहुत सिंपल थी पहले से, मैथ तो रीजनिंग बहुत अच्छी थी जी। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं एक दो बताइए जरा। आज अच्छे आए थे, जैसे कि रेलगाड़ी का पूछा हुआ था, मतलब बहुत सारे पूछे हुए थे, मतलब ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन थे, आज सिंपल थे, मतलब एक दो क्वेश्चन थे, पर आज क्या था वो जो अप्रोक्स में आए थे बहुत सारे आंसर थे ना, चार या पांच क्वेश्चन के लगभग। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी का सिपरी। देखिए मध्य प्रदेश से यहाँ पर ये हापुड़ में परीक्षा देने के लिए आए और भी बातचीत करते हैं ऐसे। भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं। प्रदीप जी कैसी परीक्षा रही आपकी आज? वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और सुविधा भी अच्छा था और सेंटर क्वेश्चन भी अच्छा पूछा था। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं आपने जो बताइए? क्वेश्चन वो जितना सिलेबस में था उसी टाइप का क्वेश्चन है जो सिलेबस में। आपका नाम क्या? अंकेश रावत। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा सर। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार? जी टू दो चार सवाल कठिन है, बाकी सब सरल आ रहा है पूरा। कितने क्वेश्चन कर कराए हो लगभग आप? 130। 130 कर कराए। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरैना। मुरैना के रहने वाले हैं। तो जैसे अभी पिछले 23, 24, 25 में आयोजित कराया गया वो सेम वैसी पैटर्न है, कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं। तो देखिए कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा, जैसे बातचीत चल रही थी कि भाई 23, 24, 25 का जो एग्जाम होगा उसके बाद जो 30 और 31 का एग्जाम होगा क्या उसके पैटर्न में कुछ बदलाव नजर आएगा? तो अभी मैं बातचीत कर रहा था, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कुछ भी बदलाव नहीं है। और भी बातचीत करते हैं। भैया आपका नाम क्या? वीरेंद्र कुशवाहा। कैसी रही परीक्षा आपकी? भैया मेरी तो फर्स्ट टाइम थी लेकिन बहुत सही रही मेरी भी परीक्षा। कितने क्वेश्चन कर कराए हो? 120 प्लस है मेरे तो, मतलब मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मैंने ज़्यादा मेरी तैयारी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बहुत सही किए हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पर? मैं तो पिछले महीने दिन से मैं 5-6 घंटे पढ़ता था, उसके पहले मैं नहीं पढ़ता। एक आध आप पेपर ले रहे हो, एक आध सवाल बताइए किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं इस बार? इस बार पिछले जो एग्जाम हुए थे उससे बहुत लो लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, मतलब जैसे सुनने में आया था पहले कि जीएस बहुत हार्ड आ रहे हैं, लेकिन आज के शिफ्ट में ऐसा नहीं था। आज के शिफ्ट में सबसे आसान क्या था इस पूरी परीक्षा में? जी के लगी उसमें दो और हिंदी थोड़ा मॉडरेट के सवाल पूछे गए हैं। जीके में एक सवाल जरा आप बताइए देखकर पेपर में से, जो कल एग्जाम देंगे उनको उसकी मदद मिलेगी। थोड़ा आप बताइए किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आप कोई पैटर्न में बदलाव नजर आया? भारत की जनगणना किस शासक के द्वारा हुई थी और बहुत से क्वेश्चन है, वो रक्त का है, रक्त किसने खोज की थी वो, और वो कौन सी वो जो भारत है भूमि साझा कौन से नहीं करता मालदीप है, क्योंकि वो समुद्र की लगता है, मतलब भूमि की पूछा था उसने। और भी हैं बहुत सारे इसमें, बांग्लादेश और नदी के कारण विवाद किसके बीच चल रहा है, बांग्ला और भारत के बीच जो नदी है ना, कौन सी नदी के बीच विवाद चल रहा है, बहुत से इसमें लटमाल हो रही कहाँ के लिए बरसान आ जाए, बहुत से क्वेश्चन है। धन्यवाद। देखिए इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। भैया आपका नाम? मुनीन दीक्षित। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया। क्या लगा सबसे आसान पूरे पेपर में? हिंदी और जीएस मैथ।